पाकिस्तान की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में महंगाई 5 दशक का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। स्थिति यह है कि लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं। प्याज आटे की कीमत ने सबको पीछे छोड़ दिया है। भयंकर हालात हैं। भूखमरी के कगार पर पाकिस्तान के लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं। रमजान के महीने में फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर भीड़ की वजह से कम से कम अब तक जो भगदड़ हुई उसमें 20 लोगों की मौत हो चुकी है। इन सब के बीच पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी ने एक ट्वीट किया और उनके ट्वीट ने कई सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने भारत के उत्तर प्रदेश को लेकर एक ट्वीट किया। पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी ने लिखा कि मेरे भाई और परिवार के लोग सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में उनका भविष्य नहीं बचा है। मेरे दादा और उनका परिवार बेहतर भविष्य के लिए प्रयागराज और दिल्ली से माइग्रेट होकर पाकिस्तान आए थे। और आखिरी लाइन जो लिखी उस पर पूरा इंडिया जो है वो मजे लेने लगा, क्योंकि आरजू ने दादा को दोष देते हुए लिखा व्हाट लगा दी दादाजी। इस पर भारतीय लोग भी खूब ट्वीट कर रहे हैं। इसमें एक यूजर ने लिखा कि योगी जी घर वापसी करवा सकते हैं। इसके अलावा हर्षवर्धन नाम के पत्रकार ने लिखा भारत में आपका स्वागत है और अभी हम ये संदेश प्रयागराज से ही भेज रहे हैं। इसके अलावा सुमेंद्र ने लिखा कि आप चाहें तो अभी भी आ सकती हैं, आपका हमेशा स्वागत रहेगा। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा कि आप भारत आकर अपनी पत्रकारिता शुरू कर सकती हैं। आशीष देहाती नाम के यूजर ने लिखा कि हम भी प्रयागराज शहर से हैं, आप तो अपने शहरवासी निकले, फिर से आइए कभी। इसके अलावा कई अन्य यूजर्स ने भी धमाकेदार कमेंट किए। इस बात का असर कुछ ऐसा हुआ है, इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि 24 घंटे के अंदर आरजू के ट्वीट को 8,12,000 लोग देख चुके हैं। आरजू काजमी एक यूट्यूबर कम पत्रकार हैं। यूट्यूब पर उनका अपना चैनल है जिस पर 3 लाख से अधिक सब्सक्राइबर हैं। यही नहीं, आरजू के फैन फॉलोइंग ट्वीट पर भी अच्छी खासी है, जहां उनके करीब 1 लाख लोग उन्हें फॉलो करते हैं। आरजू के सोशल मीडिया पर भारतीय कंटेंट क्रिएटर के ट्वीट भी दिख जाएंगे, जिसके जरिए वो पाकिस्तानी हुकूमत की आलोचना करती नजर आती। पाकिस्तान लंबे वक्त से आर्थिक संकट से जूझ रहा है, वहीं राजनीतिक संकट भी बरकरार है। एक ओर पाकिस्तान लगातार IMF के बेलआउट पैकेज की गुहार लगा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के ऊपर कुल कर्ज और देनदारी 60 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए से अधिक है। ये देश की GDP का 89% है। वहीं इस कर्ज में करीब 35% हिस्सा चीन का है। ऐसे में पाकिस्तानी पत्रकार के ट्वीट पर माहौल बनना लाजमी है, क्योंकि उनको अब भारत की याद आ रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पाकिस्तान के लोग अब भारत वापसी का रास्ता देख रहे हैं और बंटवारे को दोष दे रहे हैं कि आखिर क्यों वो बंटवारे में पाकिस्तान चले आए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।